नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यूपी के सीएम को धमकी भरा मैसेज देने के मामले में महाराष्ट्र के नासिक से एक और गिरफ्तार। मेक्सिको सिटी में बन रहे फेलिप एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नीचे मिले हजारों पुराने विशाल हाथियों के अवशेष। होम टाउन पहुंची रतन राजपूत, घर पहुंचते ही खुद को किया सेल्फ क्वारंटाइन। यूएस पहुंचा मौत का आंकड़ा 97,000 के पार, ब्राजील से आने वाले यात्रियों पर रोक। दिल्ली में भीषण गर्मी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सीएम योगी का बयान, श्रमिकों को रोजगार देने में इच्छुक, अन्य राज्यों को सीएम योगी से लेनी होगी मंजूरी। चीन में कोरोना ने फिर उठाया सर, मिले संक्रमण के 11 नए मामले। अमेरिका में 638 संक्रमितों की मौत, 97,686 पहुंची कोरोना से मरने वालों की तादाद। पीएम मोदी ने दी ईद की बधाई, सभी देशवासियों के लिए स्वस्थ रहने की कामना की। दिल्ली मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के करीबी 5 लोगों के पासपोर्ट जब्त किए। इंग्लैंड में भी आसान किए जाएंगे लॉकडाउन, 1 जून से चरणों में खोले जाएंगे स्कूल। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए पहुंच रहे हैं यात्री, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 189 नए मामले सामने आए, 77 मरीज हुए डिस्चार्ज। उन्नाव में कुलदीप सेंगर की बेटी ने अलका नाम्बा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। त्रिपुरा के अगरतला में एमबीबी एयरपोर्ट पर फिलहाल रद्द रहेगा फ्लाइट ऑपरेशन। लॉकडाउन के बीच आज से कई राज्यों में घरेलू विमान सेवा शुरू। मध्य प्रदेश में 3,408 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं ठीक। त्रिपुरा में 991 सैंपल का टेस्ट हुआ, 3 मिले कोरोना पॉजिटिव। आज से देश भर में 1,050 फ्लाइट चलेंगी, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र भी राजी। बड़गाम में लश्कर के मुख्य सहयोगी समेत 3 गिरफ्तार। भारतीय सेना ने कहा कि चीन ने हमारे जवानों को हिरासत में नहीं लिया, खबरों में दावा था कि हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। हैदराबाद में माता पिता ने 22,000 में नवजात को बेचा, पुलिस ने जांच शुरू की। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का दावा, कश्मीर पर तालिबान का बयान, महज पैतरेबाजी। फ्लाइट्स में एयर होस्टेस पीपीई किट पहने नजर आई, यात्रियों ने फेस शील्ड पहना। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे पहुंची, यात्रियों ने कहा कि हम यात्रा करने से पहले नर्वस थे लेकिन सभी ने सावधानी बरती।